आज की जो C++ की क्लास है उसमें हम असाइनमेंट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि असाइनमेंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्रिएट क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनानी है और आपको करना क्या है उसमें, डेटा मेंबर्स क्या क्या रहेंगे वो भी दिया हुआ है। हैविंग डेटा मेंबर टू स्टोर रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, इतने डेटा मेंबर्स आपको बनाना है। उसके बाद डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है और उसमें फैसिलिटी देनी है ऑब्जेक्ट में कि इनपुट कर सके डेटा और प्रिंट या डिस्प्ले कर सके डेटा। बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी तक हम क्या करते थे, सी में पुराने डेटा टाइप यूज़ करते थे, जैसे मैंने इंट ए में कोई रोल नंबर स्टोर कर दिया और उसको इनपुट ले लिया और उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हम इसको, जो हम पुराने डेटा टाइप के साथ करते थे, अब हमको बोला जा रहा है कि एक ऐसा डेटा टाइप बनाइए जिसका नाम होगा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर करेगा। तो आपको पता है कि नया डेटा टाइप बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, क्लास बनानी होती है। क्योंकि आपको पता है कि आप रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप किसी का परसेंट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ्लोट डेटा टाइप है। आप किसी का ग्रेड स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए उसका ग्रेड ए है तो उसके लिए आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप है। लेकिन आप किसी का डेट ऑफ बर्थ स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली, ऐसा कोई डेटा टाइप सी में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको एक नया डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और इसको बनाने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप नया डेटा टाइप बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम, रोल नंबर, उसके डिटेल्स, उसके सब्जेक्ट, मार्क्स और ये सारी डिटेल्स को स्टोर करना है, उसके लिए क्लास बनाइए। तो हमको जो जो चीज़ें यहाँ बोली गई है हम वहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप लिस्ट देखिए और ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया, तो कॉमन है हेडर फाइल्स, मैंने क्लास बनाया है और यहाँ पर पब्लिक स्पेसिफायर दिया है ताकि उसको वो एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पर लिस्ट में क्या क्या बोला गया, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, 3 सब्जेक्ट के नाम, जो चीज़ यहाँ बोली गई है मैंने उसको यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था कि क्या क्या चीज़ें बनानी है। सबसे पहले आप देखेंगे रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और तीनों के ऑब्टेंड मार्क्स, इतने बनाने हैं। तो ये हमने डेटा मेंबर यहाँ पर रेडी कर लिया है, 3 सब्जेक्ट के नाम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और तीनों के ऑप्टेंड मार्क्स। और ये क्लास को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। हालांकि अभी इसमें हमने वो फैसिलिटी नहीं दी है इनपुट आउटपुट करने की, केवल स्ट्रक्चर तैयार किया है। क्योंकि नीचे आपको देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि एक फैसिलिटी भी देना है, आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करिए और प्रोवाइड फैसिलिटी टू इनपुट एंड प्रिंट डेटा या डिस्प्ले डेटा। क्लियर है? तो डिस्प्ले रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ और डेटा मेंबर्स ऐड करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे हम लोग। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ ताकि ये दिखाई दे कि पब्लिक मेंबर्स है। अब मैं यहाँ पर वॉइड मेन की बात करूँ तो वॉइड मेन में हम क्लियर स्क्रीन लिखे हैं। जैसे हम इंट ए लिख करते, ए में वैल्यू स्टोर करते थे, प्रिंट करते थे, वैसे ही अब एक नया डेटा टाइप हमारे पास है, स्टूडेंट S1। ऐसा डेटा टाइप पहले नहीं था, हमने अभी बनाया है। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टूडेंट है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये प्राइमरी डेटा टाइप है और ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये इसका वेरिएबल है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जो पहले डेटा टाइप एंड वेरिएबल होता था उसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब इस S1 में क्या क्या चीज़ें स्टोर हो सकती है, जैसे A में एक नंबर स्टोर हो सकता है, लेकिन S1 में क्या क्या स्टोर हो सकता है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी डिटेल केवल S1 के अंदर स्टोर हो सकती है। यानी S1 एक बहुत बड़ा सा डिब्बा है, बहुत बड़ी मेमोरी है जिसमें इतने सारी डिटेल एक साथ स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर हमको एक फैसिलिटी देनी है कि इसमें वैल्यू स्टोर कैसे कराई जाए। तो स्टोर कराने के लिए एक सिंपल फैसिलिटी है, मैं लिखूँगा S1.rollNumber=101। एक एक करके हम स्टोर करा सकते हैं, केवल S1.sName लिखना है =Sohan। लेकिन आपको पता है कि हम स्ट्रिंग को ऐसा इनपुट नहीं करा सकते, लेकिन मैं समझाने के लिए बोला हूँ, उसके लिए string.h हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज हैं उनको सबको ऐसे स्टोर कराना है, या फिर यहाँ पर हम एक फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void get। आप देखेंगे मैंने गेट फंक्शन बनाया और यहाँ पर हम इनपुट करा देते हैं cout रोल नंबर, ठीक है, और सी इन से आप इनपुट ले सकते हैं। सी इन और सी आउट जो है प्रिंट एफ स्कैन एफ के जैसे काम करता है। जब कोई कोड क्लास के अंदर लिखा जाता है तब उसमें S1 डॉट नहीं लिखते हैं, लेकिन जब बाहर होता है तो फिर वो इस टाइप से डॉट से यूज़ होता है। तो ये दोनों लाइन मैं हटा देता हूँ। अब इसको मैं बार बार कॉपी करूँगा, ये होगा एंटर नेम और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस नेम, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये दो चीज़ इनपुट ले चुके हैं, रोल नंबर और नेम। अब सब्जेक्ट 1, 2, 3 लेना है, उसके बाद मैक्स मिन और ऑप्टेन 1, 2, 3 लेना है। तो इसको बार बार आप कॉपी कर सकते हो, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर एंटर में लिखा सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम है सब्जेक्ट 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर C++ में ये है कि स्ट्रिंग है ये और चाहे कैरेक्टर है, फ्लोट है, परसेंट डी परसेंट सी वाला जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ सी आउट सी इन से सब कुछ हो जाता है। दूसरा मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर बस सब्जेक्ट 2 कर दूंगा, यहाँ सब्जेक्ट 2 हो जाएगा। तीसरा कॉपी करूँगा, सब्जेक्ट 3 कर देता हूँ, इसको 3 कर दिया, 3 कर दिया। अब मैक्स मिन के लिए कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा मैक्स और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, जो वेरिएबल का नाम है वो इनपुट हो रहा है। यहाँ लिखेंगे मिन और यहाँ लिखेंगे मिन। अब ऑप्टेन मार्क्स को लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखे OBT1 और यहाँ पे भी लिख दो OBT1। दो और बच्चे हैं OBT2 और 3, तो ये इनपुट वाला काम हमारा हो जाएगा। OBT2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और ये 3। तो गेट लिखते ही ये सारा कोड एक साथ रन हो जाएगा, ये लिखा हुआ है गेट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं S1.get, इतना लिखते ही वो क्या क्या करेगा, गेट लिखते ही S1 का वो रोल नंबर नेम सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2, 3 इतना सारा डिटेल वो इनपुट लेना चालू कर देगा, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर S1 S2 S3 जितना बनाना है बना लो और यहाँ पर S1.get S2.get S3.get ऐसे जितने बार चाहो आप इनपुट ले सकते हो। मैं फिलहाल एक ही बार कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल इस वेरिएबल की तरह, इसको हटा देते हैं। देखिए एक नया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आप यहाँ देख रहे हैं जो स्टूडेंट की डिटेल ले रहा है और आपको बस यहाँ पर लिखना है S1.display और वो स्टूडेंट का पूरा डिटेल जो है डिस्प्ले कर देगा, क्लियर है। तो सिर्फ सोचिए कि मेन में इतना छोटा सा कोड आपने लिखा और वह स्टूडेंट का डिटेल स्टोर हो गया और स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, क्लियर है। छोटा सा बस ये 3-4 लाइन का कोड लिखा। तो C++ में जब कोड लिखते हैं तो उससे क्या होता है, सी के डेवलपर्स को बहुत आसानी होती है और नए नए डेटा टाइप को अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्लियर है। तो आपको पता है कि गेट के लिए तो हमने कोड लिख दिया, यहाँ पर वैसा ही ऐसा ही सेम कोड हमको लिखना है डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पर फिर नीचे हम लिखते हैं void, एक नया फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रिंट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म पे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल ये वाला जो है पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कोड को मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर सिर्फ हमको इनपुट करना है, सॉरी आउटपुट देना है, क्या है आउटपुट रहेगा। और मैं एंडर लिख देता हूँ ताकि लाइन चेंज करके वो प्रिंटर प्रिंट करे। यहाँ पर एंटर जो है उसको हटा देंगे, रोल नंबर के आगे वो क्या प्रिंट करेगा, रोल नंबर, मतलब लिखा रहेगा रोल नंबर इक्वल टू दिस। और ये सी इन वाला सारा कोड हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ आउटपुट दिखाना है हमको। तो एक बार जब कोड रेडी हो जाए फिर उसके बाद हम इसको एक बार डिटेल में देख लेंगे। कोड थोड़ा लंबा बन जरूर रहा है और C++ का कोड थोड़ा लंबा होता ही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि
सी का थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रक्चर वगैरह ये सब क्लियर होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये जल्दी और अच्छे से क्लियर होता है। इसके लिए कुछ पुराने मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड भी किया हूँ मैंने। बस अब इसको आप क्या करिए, एंड डेल वाला सब में कॉपी कर देता हूँ मैं, ताकि सब में एंड डेल के साथ आए आउटपुट और लाइन चेंज करके हमको दिखाई दे। चलिए हमारा पूरा जो डिटेल है वो रेडी हो चुका है। अब सब में से एंटर रिप्लेस कर देते हैं। एंटर हट गया, एंटर हट गया, एंटर हट, क्योंकि एंटर में तो वो लिखा हुआ आएगा कि एंट ये आपने एंटर किया। ठीक है, और सामने यहाँ पर हमको प्रिंट करना है एस नेम, जो वेरिएबल का नाम है। आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ पर एस नेम लिखा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने एस नेम लिया। यहाँ पर जो नाम है वही लेना है ना। और मैंने जानबूझ के इस तरीके से नाम रखा था कि भूले मत हम लोग सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड थ्री, सब्जेक्ट टू एंड थ्री, ये टू होगा एंड ये थ्री होगा, ये होगा मैक्स, ये होगा मिन, और ये होगा OBT1, OBT2 और OBT3। हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है, बस फाइनल उसको एग्जीक्यूशन करना है। OBT1, 2 एंड 3। ठीक है, प्रोग्राम बन चुका है हमारा। अब मेन का कोड देखिए कितना छोटा सा है। स्टूडेंट नाम का एक डेटा टाइप बनाए और उसको इनपुट किए गेट से, और डिस्प्ले से उसको प्रिंट कर दिए। कितना छोटा सा डेटा टाइप बनाया, मतलब सी का प्रोग्राम। ऐसा डेटा टाइप हमने पहले नहीं देखा था। हम पहले क्या करते थे, बने बनाए डेटा टाइप को ही यूज़ करते थे। अब हम अपना खुद का डेटा टाइप बनाए हैं, और इस डेटा टाइप को बनाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड किए हैं वही आपका C++ का कोड है। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि C++ में जो हम कोड करते हैं वो यूज़र के लिए नहीं करते, एंड यूज़र के लिए नहीं करते हैं। C++ में जो कोड किया जाता है वो उस कोड को दूसरा प्रोग्रामर यूज़ करता है। यानी कि हम जो अब कोड कर रहे हैं वो प्रोग्रामर के लिए कोड कर रहे हैं। हमारे कोड को प्रोग्रामर यूज़ करेगा और फिर वो कोड करके दूसरे को देगा। यानी कि हम, हमारे पास एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हम जो जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ डायरेक्ट पब्लिक यूज़ नहीं करेगी, एक दूसरी फैक्ट्री वाला यूज़ करेगा, और दूसरी फैक्ट्री वाले हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करके नया प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इस कोड को बहुत सारे प्रोग्रामर जो सी में काम करते हैं वो सब लोग ऐसे यूज़ करेंगे, ताकि सब लोग स्टूडेंट के लिए बड़ा बड़ा कोड ना करना पड़े। सब फटाफट दो तीन लाइन लिखे और स्टूडेंट का डेटा स्टोर होने लग जाए। यानी हम जो चीज़ बना रहे हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के लिए नहीं है, हम दूसरे प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसको हम स्टोर करते हैं और कंपाइल और रन करके देखेंगे। हमने इस असाइनमेंट नंबर 5 है, इसलिए p5.cpp नाम से स्टोर कर देते हैं इसको, और इसको डायरेक्ट हम C++ के एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो मैं एडिटर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर p5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। p5 को जब मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पर और कंपाइल करके देखते हैं इसमें कुछ रह तो नहीं गया एरर, आपको पता चलेगा 5 एरर हैं। और एरर्स को आप देखेंगे कि इंक्लूड की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई थी, 0 एरर। यानी प्रोग्राम आपका एकदम सटीक बना है और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट करने के लिए रेडी है। चलिए इसको पहले सेव कर लेते हैं और इसके बाद इसको रन करेंगे प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए। मैंने रन किया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एंटर रोल नंबर, मैंने रोल नंबर 101 दिया। एंटर नेम सुमित, एंटर सब्जेक्ट 1 C, सब्जेक्ट 2 VB, सब्जेक्ट 3 जावा। मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम मार्क्स 20, ऑप्टेंट मार्क्स पहला नंबर मैंने दिया 70, 80 और 90। अब देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो आपकी पूरी डिटेल्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट लिया गया और अब ये आउटपुट हुआ। अभी तक आप सी में जो भी प्रोग्राम करते थे उसमें एक ही नंबर इनपुट होता था, चाहे वो इंटीजर होता था, फ्लोट होता था, कैरेक्टर होता था या स्ट्रिंग होता था। अब उनको ग्रुप करके एक सिंगल यूनिट बना दिया गया है। यानी कि आपके पास एक ऐसा नया डेटा टाइप है जो पुराने डेटा टाइप के ग्रुपिंग से बना है, और वो एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है।
और उसको इंटरनली हैंडल किया जा रहा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक ये हो रही है कि जो नेम है उसका सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री लिखा हुआ प्रिंट हो जा रहा है। ये ऐसा लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है क्योंकि कोड में हमने यहाँ पे क्या गलती हुई। ओके, डबल कोड के अंदर हमने लिख दिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि हमने ये जो पेस्ट कॉपी पेस्ट करते समय इसको डबल कोड के अंदर लिख दिया था, तो इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो डबल कोट है वो यहाँ पे आपका आएगा क्योंकि तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा बना है लेकिन है बहुत सिंपल कंसेप्ट। थोड़ा सा आप अगर कंसेप्ट को अगर समझ जाएं तो बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है ये। रन करते हैं, फिर मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। रोल नंबर 101 सुमित, सब्जेक्ट वन में दिया सी वी बी जावा, मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम मार्क्स 40, और इसमें मैंने दिया 70, 80 और 90, और आपका आउटपुट जो है वो आ रहा है। अब चाहे तो इसमें आप टोटल मार्क्स और ये सब चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो शो रिजल्ट करके आप उसका रिजल्ट भी शो कर सकते हैं। आपको आपके ऊपर है कि उस डेटा टाइप में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं, ये हम अगली कक्षाओं में देखेंगे।